नमस्ते, मैं हूं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। जी हाँ, मैंने बहुत सालों से बॉलीवुड पर राज किया और इसका राज है मेरा ढोंगी हिंदू होना। इसके आपको मैं उदाहरण देता हूं। लोग समझते हैं आई एम हैप्पीली मैरिड टू जया बच्चन, मगर मेरी शादी के बाद मैंने अनगिनत अफेयर किए, अनगिनत शारीरिक संबंध बनाए अनगिनत अभिनेत्रियों के साथ। हाल में जब मैं कोविड पॉजिटिव था, तब रेखा का वॉचमैन भी कोविड पॉजिटिव था, मगर कोई कुछ कह नहीं सका। क्यों? क्योंकि मैं एक मेल सुपरस्टार हूं और साथ साथ में ढोंगी भी हूं। मैंने नानावती हॉस्पिटल की बहुत प्रमोशन करी, क्योंकि नानावती हॉस्पिटल का शायद मैं पार्टनर हूं या मेरा कोई रिलेशन है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, वो दूसरी बात है। मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कौन है? एक छोटा सा कलाकार था। अब जब दिवाली आती है, तब मैं अपने घर में दिवाली पार्टी रखता हूं और उसमें सब बड़े बड़े दिग्गज लोगों को बुलाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू त्योहारों को मैं जोर शोर से मनाता हूं, मगर लोगों को नहीं पता मैं एक ढोंगी हिंदू हूं। जब राम मंदिर की भूमि पूजन की बात आती है, तब मैं एक भी ट्वीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बॉलीवुड माफिया को अपने साथ लेकर चलना है। यहां पर हिंदू समझते हैं कि मैं उनका चहीता हूं, क्योंकि मैं उनके त्योहार मनाता हूं। दूसरी ओर मैं बॉलीवुड माफिया का चहीता हूं, क्योंकि राम मंदिर के भूमि पूजन पर मैं एक भी ट्वीट नहीं करता, जबकि सारा दिन इस कोरोना वायरस के समय मैं ट्विटर पर ही बैठा रहता हूं। तो इसे कहते हैं मेरा राज बॉलीवुड को रूल करने का, और ये राज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने तो अभी तक मुझे गुजरात का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा है, जबकि आप सबको पता है कि मैं किधर का वफादार हूं। नमस्ते।